Hey you guys, hi everyone. So welcome back to the sessions of NCERT Most Important Highlights. तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो बेटा आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कितने क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो लेट मी टेल यू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, कम से कम आप लगा लीजिए 16 to 18 क्वेश्चन, 16 से 18 क्वेश्चन जो हैं आपके वो इसी चैप्टर में से आएंगे. ठीक है, डाइजेशन से नहीं, इंक्लूडिंग ऑल ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल एंड योर हार्मोनल. ठीक है, तो ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है डाइजेशन, तो अगर मैं इसको आपको ये बोलूं कि इसमें से एक भी ऐसा पार्ट है जो आप छोड़ सकते हो तो दैट मीन्स कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूं. ठीक है, बट स्टिल मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि किस में से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट मैं आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें से एक भी चीज नहीं छोड़ सकते, एक भी लाइन नहीं. ठीक है, बट स्टिल आई वुड गिव यू एन ओवरव्यू एज आई प्रॉमिस्ड यू कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके मैक्सिमम जो बार जो है वो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में. तो सबसे पहले है आपका डेंटिशन. इन अ शॉर्ट वे मैंने आपको बताना था, आपको पता होना चाहिए कि डेंटिशन क्या होती है. थिकोडोंट, आपके हेट्रोडोंट है एंड डाइफायोडोंट है, तो ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है, कौन से आपके मोनोफायोडोंट टीथ हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो ये आपका डेंटिशन पे क्वेश्चन है, वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, आपका की डक्ट का नाम क्या है ना, आपका जो रिविनस ग्लैंड, सॉरी रिविनस डक्ट है, कौन से ग्लैंड की है, एंड सब मैक्सिलरी, सब मैंडो, सब लिंगुअल, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पता होना चाहिए, कितने तरह के सेल्स हैं इसमें, कौन से सेल्स, आपका ऑक्सेंटिक सेल्स फॉर एग्जांपल, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सीक्रेट करते हैं, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, पेरिनीशियस एनीमिया क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. एचपी डक्ट लास्ट, मतलब ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार जो एग्जाम में पूछना चाहता है. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, एचपी डक्ट बोले तो हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट. हाँ, देन उसके बाद में आपका आता है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, क्योंकि इसको कंप्लीट एंजाइम्स बोलते हैं, पता करना क्यों कहते हैं कंप्लीट एंजाइम्स उसको, पैंक्रियाटिक को, है ना. इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कितने हैं, सक्कस एंटेरिकस है, एंटेरोकाइनेस क्या करता है अगर इंटेस्टिनल ग्लैंड सीक्रेट होता है, सो मेनी क्वेश्चंस. हाँ, देन क्रिप्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि कौन से सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पैनेट सेल्स होते हैं क्या रिलीज करते हैं, अर्जेंटेफिन सेल्स क्या रिलीज करते हैं, लाइक दैट. एब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अमीनो एसिड्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं. अब आपको पता चल ही गया होगा मैंने सारे के सारे आपको टॉपिक्स जो है वो बोल दिए हैं. ठीक है, बट वर्बली आई हैव टोल्ड यू कि किस किस से जो है आपको क्वेश्चंस आते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जिसमें से आपको पता, आपको कौन है लिख के बताओ जरा चैट बॉक्स में, कौन से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, दैट इज इनडाइजेशन, उसके क्या रीजंस होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं यार, मैं पीछे हट जाती हूँ सो दैट यू कैन सी. तो ये आपको मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर्स में जो लास्ट 10-15 ईयर्स के, आपको उठा के देखो. ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. ओके, सो आई विल सी यू गाइस विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय बाय.